ये जो अध्यक्ष नेता बना रखे हैं इनके बजाय पहलवानों को ही अध्यक्ष बना देना चाहिए। नहीं, कुछ गलत तरीके के लोग अगर जब फेडरेशन में आ जाते हैं ना और वो अपनी मनोपोली करते हैं, अगर वो सही में मनोपोली करते हैं और बच्चों का शोषण होता है तो टोटली रॉन्ग है, ये गलत है। अच्छा, ये जो बात प्रकरण चल रहा है ना, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ भाई, ऐसा होता है लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसे रोज सामने नहीं आई थी बातें। हरियाणा को खिलाड़ियों की और जवानों की भूमि माना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो पूरे देश और दुनिया में अपने मुक्कों की बदौलत, अपने दांव पेच की बदौलत जो है देश का नाम रोशन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हम भिवानी के जो साई हॉस्टल है उसके कुश्ती ग्राउंड में पहुँचे, यहाँ पर मैट पर जो है पहलवान जो है वो कुश्ती कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं और दांव पेच जो कुश्ती के वो सीख रहे हैं। अगर ताज़ा हालात की बात करें तो यही कुश्ती के पहलवान जो हरियाणा के नामी ग्रामी पहलवान है वो इन दिनों दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उनकी जो मांगे हैं वो पूरा देश को पता है, लेकिन भिवानी के जो पहलवान हैं उन मांगों को लेकर, उन खिलाड़ियों की समस्या को लेकर क्या सोचते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ भिवानी साई हॉस्टल में जो अभ्यासरत हैं खिलाड़ी हैं पहलवान हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल। तो क्या मानते, दिल्ली जो पहलवान धरने पर बैठे हैं उनकी कितनी मांगे वो जायज हैं, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये कुश्ती ये शुरू से ही उलझा हुआ है सारी चीज़, और इसकी अच्छे से जांच की जाए और जिस जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो क्या मानते, फेडरेशन का मामला कैसे उलझा हुआ? फेडरेशन का मामला ये जो अध्यक्ष नेता बना रखे हैं इनके बजाय पहलवानों को ही अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो क्या फायदा होगा उसका? उससे पहलवान मतलब कि ये आपस में आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। जी, कुछ और भी पहलवान हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जो दिल्ली धरने पर बैठे पहलवान उनकी मांगों को कैसे देखते हैं? मेरा नाम रवि है जी। जो ये जो पहलवान हमारे लिए जो को कर रहे हैं जी, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जो हमारा जो बड़े पहलवान बजरंग पुनिया और जी, इसकी में हमारे ही भलाई है जी। अगर कोई खिलाड़ी हमारा अध्यक्ष बनेगा तो हमारी फिली वो समझेगा जी, हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, तो जी इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जी जो ये फेडरेशन का मामला है शुरू से ही उलझा हुआ जी, कभी बच्चों को निकाल देते हैं फेडरेशन का, वो हो जाता है मतलब समझते बच्चों की संभावना समझते हैं जी। अगर कोई पहलवान इसका अध्यक्ष बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा जी खिलाड़ियों को। तो किस प्रकार की समस्याएं आते हैं जब फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं वो नेताओं या अधिकारी होते हैं खिलाड़ी की बजाय? गणेश जी, वो जैसे जी वो हमारे जो सीनियर पहलवान है उन्होंने मांग बताई है कि जी वो कुछ मतलब गलत आरोप हुए हैं जी, वो सारे उनके पास वो जी, तो ये सारी बातें होगी जी, हम उनको प्रधानमंत्री जी गौर करना चाहिए जी और हमारी मांग भी पूरी करनी चाहिए जी। क्या मांग करते हैं सरकार से प्रधानमंत्री से? हमारी मांग है जी कि हमारा जो जी अध्यक्ष बने जी वो हमारे खिलाड़ी बने जी, जो खिलाड़ी जो हमारी भावना को समझे जी। कुछ और खिलाड़ी उनसे भी बात करें। जी, क्या नाम है आपका? जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है कितना जायज मानते हैं उसको? जी, मेरा नाम विकास है जी। जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, जो हमारे सीनियर कोच पहलवान हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सुनीता मोर, राहुल मानी, ये जैसे ये प्रदर्शन अध्यक्ष जी के मतलब शुरू से ही उजड़ा हुआ केस है मतलब, और ये ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ गलत कर रहे हैं मतलब, कभी निकाल दिया कभी वो कर दिया। पहले हरियाणा की दो टीमें जाती थी, अभी एक कर दिया। हरियाणा के पता है सबको, सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं हरियाणा, मतलब खेल का इतना प्रोत्साहित है मतलब, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, इसकी सही से जांच होनी चाहिए। अब जो दोषी है उसको प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपके हिसाब से दोषी कौन हो सकता है, खिलाड़ी या फेडरेशन? कहते हैं जी अध्यक्ष ही लग रहे हैं जी, खिलाड़ी जो हमारे सीनियर है जिनसे हमें प्रेरणा मिली है खेल के लिए, और मतलब वही उनके साथ ही गलत हो रहा है, तो हमारी तो बहुत छोटी वो है ना, तो उनके साथ गलत हो रहा है तो हमारे साथ भी गलत हो रहा है। हम चाहते हैं कोई रेसलिंग से या कोई खेल से जुड़ा हुआ मतलब हमारा अध्यक्ष बने, जो हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और उसको भी इस चीज फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान होना चाहिए, तो हमें उससे फायदा मिलेगा। तो जो फेडरेशन के अध्यक्ष जो नेता होते हैं या अधिकारी होते हैं उससे किस प्रकार की परेशानी आती है? परेशानियाँ ये है जी, कभी मतलब लड़कियों के साथ, अभी यौवन वो बता रहे हैं मतलब हरियाणा से पहले, मतलब हरियाणा के वस्तु में ज़्यादा मेडल आते हैं और स्टेट मतलब वीक हैं, जैसे हरियाणा के मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, तो उससे वो मतलब और स्टेटों को गाइडलाइन नहीं उससे हो रहा है, तो उसके लिए हो रहा है ये मतलब।
हमारे साथ जो है कुश्ती के पुराने पहलवान और कोच रह चुके भूपेंद्र सिंह हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी कोच साहब, क्या मानते हैं जो मामला चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है? मैं तो ये मानता हूँ ये जो हो रहा है ना, ये बड़ा गलत हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। कुश्ती इंडिया का सबसे सुप्रीम गेम है। इंडिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आज अगर किसी गेम की है तो वो कुश्ती की है। वर्ल्ड लेवल पर हम सीनियर मैन में बेस्ट थ्री में हैं और महिलाओं में बेस्ट टू में आते हैं। इतनी बढ़िया अचीवमेंट और किसी खेल की हिंदुस्तान में नहीं है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। वो चाहे फेडरेशन की तरफ से हो या चाहे किसी पॉलिटिशियन की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से हो। हमने बड़ा तालमेल से फेडरेशन का, पहलवानों का बड़ा अच्छा तालमेल होना चाहिए जिससे कि कुश्ती और आगे बढ़े। ये तो पक्की बात है, कुश्ती में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई है। पहलवानों ने कोई भी फॉर्मेट नहीं छोड़ा, जहाँ से इंटरनेशनल अरिना में मेडल नहीं जीते। सबसे बड़ा तो हम ओलंपिक का है, हमारे 7-8 मेडल ओलंपिक में। सबसे बड़ा सवाल उठता फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं और अधिकारी हैं, उन पर सवाल उठता। आप क्या मानते हैं, आपने कभी ऐसा फेस किया है कि नेता और अधिकारियों के बदौलत जो है खेल प्रभावित होते हैं, खिलाड़ी प्रभावित होते हैं? नहीं, कुछ गलत तरीके के लोग अगर जब फेडरेशन में आ जाते हैं ना और वो अपनी मोनोपोली करते हैं, अगर वो सही में मोनोपोली करते हैं और बच्चों का शोषण होता है तो टोटली रॉन्ग है, ये गलत है। फेडरेशन का काम है कुश्ती को आगे लेके जाना, कुश्ती के लिए अच्छे काम करना, पहलवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे, उनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखे, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का ध्यान रखे और जो जो फैसिलिटीज़ हैं इसके दायरे को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनवाए, ज़्यादा से ज़्यादा पहलवानों को इंटरनेशनल कंपटीशन में लेकर के जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पहलवानों को देश के अंदर अच्छी फैसिलिटीज मुहैया कराए। जो फेडरेशन के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उनको जो है वो द्वेष भावना के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। ये अगर ऐसा कुछ था तो पहले शिकायत करनी चाहिए थी। तो क्या मानते हैं खिलाड़ियों की ये कमी है कि समय रहते शिकायत करते तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता? अच्छा, ये जो बात प्रकरण चल रहा है ना, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा रोज सामने नहीं आई थी बातें। जैसे आप साथ गए, आपने बताई, ऐसा मैंने फील किया है, ऐसा हुआ है, सुनी है, मैंने देखी नहीं है। और जो अगर ऐसा किया है फेडरेशन के लोगों ने तो ये टोटली इससे घटिया कोई बात हो ही नहीं सकती कुश्ती में। जी कोच, क्या मानते हैं इस चीज़ का समाधान क्या हो? इस चीज़ का समाधान ये है, अगर फेडरेशन दोषी है, इसकी ऊंचे स्तर पर इसकी जांच हो और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे आगे आने वाले फेडरेशन के लोग ठीक से रहें और पहलवानों और फेडरेशन के लोगों का तालमेल रहे और कुश्ती इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और देश का नाम ऊंचा करे। मैं तो ये थे भिवानी के पहलवान और कोच, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं पहलवान, उनकी मांगें जायज़ हैं, उनकी मांगों पर जो है वो सरकार को गौर करना चाहिए और उनकी मांगों को जो है उस मांगों पर जो है जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और साथ ही कहना कि अगर जांच समय रहते होती है तो कुश्ती को बचाया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के की कहावत है कि दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, और इसमें कुश्ती और जो कबड्डी है वो जो मेन जो है वो खेल हैं। और ऐसे में आप देखना होगा कि हरियाणा के इन पहलवानों को बचाने के लिए सरकार कब और क्या फैसला लेती है, कब और कैसे इस खेल को और खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से बचाया जाता है ताकि दोबारा से इस प्रकार का विवाद न खड़ा हो। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगवीर घनगस।